अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस। सॉरी यहाँ पर मैं जी मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस कि हम हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे वाटर में से। तो हमारे पास इसमें दो तरह के हार्डनेस थी, एक टेम्परेरी हार्डनेस जिसे हमने टेम्परेरी हार्डनेस कहा है और इस टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे। इससे पहले जरा इसकी डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बता दूं। टेम्परेरी हार्डनेस हमने पढ़ा था कि इट कॉजेस बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जी कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से पानी में टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। तो पानी में हार्डनेस की जो वजह है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो जब पानी में ये हल हो जाएंगे तो पानी के अंदर ये टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे। अब टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें रिमूव करना आसान है, इन्हें सिंपल से कुछ मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं, जबकि जो कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट्स हैं उनके लिए हमें प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम उन्हें परमानेंट हार्डनेस कहेंगे कि वो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। इससे जो पानी आपको मिलेगा इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, या आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस से जो आपको वाटर मिलेगा वो आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जरा देखते हैं कि हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो इसको रिमूव करने के हमारे पास दो मैथड्स हैं, मैथड्स तो रिमूव कैसे करेंगे। एक मैथड है बाय बॉइलिंग, जी कि आप इसे बॉइल कर लें। दूसरा मेथड है बाय क्लॉक मेथड। दूसरा मेथड क्लॉक मेथड होगा कि आप क्लॉक मेथड के जरिए इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि आप इसे कैसे रिमूव करेंगे। तो सिंपली पहला मेथड है हमारे पास बाय बॉइलिंग, तो बॉइलिंग के जरिए आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग के जरिए आप इसे रिमूव कर पाएंगे। जब आप पानी को बॉइल करेंगे तो बॉइल करने पर जो इसका रिएक्शन हमने अभी पढ़ा था जो लास्ट लेक्चर के अंदर, वही रिएक्शन रिवर्स पोजीशन में चल पड़ेगा। यानी कि पानी के अंदर हार्डनेस की जो मेन वजह थी वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन। अब जब आप इन्हें हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, या हीट ब्रैकेट लिख लेंगे इसके ऊपर आप सिंबल बना दें कि हीट का सिंबल है, तो हीट करने पर आपके पास फिर से वही चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैस है इसलिए यहां पर हम लोग एरो लगा रहे हैं, ठीक है, कि ये गैस है और यहां से बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट will break down to make calcium carbonate, water and carbon dioxide gas. कैसे बनेगा ये भी मैं आपको जरा समझा देता हूँ कि देखिए बेटा, ये हमारे पास कैल्शियम है और बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम will make calcium ion और बाइकार्बोनेट जो है it will produce HCO3-1, ये आपके पास two ions produce हो जाएंगे। हीट करने की वजह से जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से मैं अगर इसको सेपरेट लिखता हूं, ये दो आयन है मेरे पास बाइकार्बोनेट आयन, तो हीट करने की वजह से मेरे पास यहां पर बनेगी CO2 गैस जो एज इट इज यहां से रिमूव हो गई और बैक एंड पे आपके पास रह जाएगा हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH। नाउ इट इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। इट विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम बाइकार्बोनेट, ये यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड दोनों कंबाइन होकर फॉर्मूला बना देंगे वाटर।
तो ये वाटर एज इट इज यहां पर आ गया। अब यहां से आपके पास सिर्फ एक ही चीज रहेगी है और वो है कार्बोनेट आयन CO3-2। ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ मिलकर फोरी तौर पर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इस तरह से ये आपके पास प्रोड्यूस हुआ है हीट करने पर। अब चूंकि इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे जो है वो पार्टिसिपेट्स बनाएगा जो फिर थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं पानी में और आप पानी को ऊपर से फिल्टर कर लेंगे और ये पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल हो जाएगा और वो वाटर सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। अब हमारे पास इसका दूसरा मेथड है, वो है प्लॉक मेथड। नाउ व्हाट इज प्लॉक मेथड, प्लॉक मेथड है क्या, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्लॉक्स मेथड। क्लॉक मेथड ये है कि आप पानी अगर हार्ड वाटर है तो उसमें आप थोड़ा सा लाइम वाटर ऐड करते हैं। लाइम वाटर इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट्स फॉर्मूला और इट्स नेम इज लाइम वाटर। अब इसे लाइम वाटर कह सकते हैं। आपकी बुक के अंदर उसने दो वर्ड जो है वो यूज किए हुए हैं, इसके लिए स्लेट लाइन का वर्ड भी यूज किया जाता है और इसके लिए लाइन वाटर का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो रिएक्शन के ऊपर जो वर्डिंग है वो एज इट इज उसमें ये यूज किया हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट विल कंबाइन विद कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन होंगे तो आपके पास बाइकार्बोनेट, तो ये आपके पास दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ये दो चीजें यहां से प्रोड्यूस होंगी। अब आप सोचेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होंगी, देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, मैं यहां पे इसको जरा इजीली कन्वर्ट कर रहा हूं आयंस के अंदर। मेरे पास यहां से दो आयंस बनेंगे, हाइड्रोक्सल आयन बनेगा और मेरे पास कैल्शियम आयन बनेगा, जबकि यहाँ पर कैल्शियम आयन बनेगा जिसकी वैलेंसी प्लस टू है और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा जिसकी वैलेंसी माइनस वन है, जिसके टू आयन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये टू हाइड्रोक्सल है, ये स्टेबल नहीं है, दे विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करके अपनी स्टेबल फॉर्म बनाएंगे विच इज कॉल्ड वाटर, ये वाटर बना देंगे। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो पीछे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रह जाती है और वो है कार्बोनेट CO3। तो ये CO3 कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये हमारे पास रिएक्शन था, सिंपल रिएक्शन है, इतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ये आपको आ जाएगी इजीली। अब इसका दूसरा रिएक्शन जो है वो भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। दूसरा रिएक्शन के अंदर लाइन वाटर में रिमेन सेम, आपने उसी तरह लाइन वाटर को सेम रखना है और यहां पर आप यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और सेकंड वन आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा और सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल्स आपको टू मिल जाएंगे। कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, उसी तरह आप उनको आयंस में कन्वर्ट कर लें। तो यहां से आपके पास Ca+2 आयन बनेगा और यहां से आपके पास हाइड्रोक्सल आयन 2 बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैग्नीशियम आयन है प्लस टू और यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन है जिसकी वैलेंसी माइनस वन है, इट इज आल्सो टू आयंस। अब उसी तरह हाइड्रोक्सल आयन जो है दे विल रिमूव हाइड्रोजन, टू हाइड्रोक्सल है, टू हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके ये टू वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। अब बैक एंड पे यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, टू कार्बोनेट आयंस, मैं इसको बी सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए। तो ये दोनों को मिलके वाटर बना दिया ना, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयन, इन्होंने वाटर बना दिया। बैक एंड पे रह गया टू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी टू कार्बोनेट, ये इनमें से एक कार्बोनेट मैग्नीशियम के साथ मिलके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा, सेकंड विल कंबाइन विद कैल्शियम टू मेक कैल्शियम कार्बोनेट। बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, और पानी को फिल्टर कर देंगे तो पानी जो है वो फिर से सॉफ्ट वाटर बन जाएगा और इससे हम काबिल इस्तेमाल होगा। तो ये आपके पास था मैट्रिक्स टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। ये आपके पास लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन भी है, शॉर्ट कैस्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज क्लॉक मेथड, हाउ यू कैन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग, तो इस तरह से आपको शॉर्ट भी आ सकते हैं।
और एज इट इज लॉन्ग आ सकता है कि व्हाट इज टेंपरेरी हार्डनेस एंड हाउ यू कैन रिमूव टेंपरेरी हार्डनेस फ्रॉम वाटर। तो उसमें आपको टेंपरेरी हार्डनेस की डेफिनेशन और फिर उसके दोनों मेथड्स मेंशन करने होंगे। जी, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।